solve for x and y, 12 sin x plus 5 cos x equals to y, 2y square minus 8y plus 20. ओके, तो कैसे किया जाए इसको? अपने पास इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो हैं, तो सम कंडीशन इसे ऑक्सिलरी से डील कर सकते हैं, देखा जाएगा। टू कॉमन ले लेते हैं पहले, और ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि इसे 12 लिखा, 12 sin x को भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। ये 5 cos x है, इसको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं देख सकता हूँ, इसकी लीस्ट वैल्यू -13 होगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ 13 होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ये मैंने ऑब्जर्व किया, 2 बाहर ले लेता हूँ, और ये मेरे पास आया y स्क्वायर माइनस 4y, और प्लस 4 कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, प्लस 4 माइनस 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस 20। अब देखते हैं क्या बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये यूज हुआ, ये यूज हुआ, ये माइनस, ये कितना आएगा, 8 आएगा, तो माइनस 8 प्लस 13 आ गया, बहुत सही आ गया, यहाँ से काफी उम्मीदें जग गई। यहाँ पर मैं अंडर रूट, अगर मैं अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 169 13 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक ऐसा एंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 13, और मैं साइन या कॉस में चेंज भी कर सकता हूँ, इससे क्रैक मेरे पास मिल गया प्रॉब्लम का। ध्यान से समझिए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कैसे डील किया जाता है, मैंने आपको बताया, तो ये मेरे पास इतना आ गया। अब ये आने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, ये कैसे आया ये स्टेप, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जब मुझे डील करना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे डील करते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल, फिक्स ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके एंगल्स क्या हों, ध्यान से समझिए, 12 ये 12 मान लेता हूँ, ये 13 मान लेता हूँ, और ये 5, और जिसके एंगल्स क्या होंगे, ये 13 फिक्स एंगल होगा, लेट ए अल्फा है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, थीटा के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सही है, ये एंगल लेट बने अल्फा, तो ये साइन एक्स कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा फिक्स होगा, तो 13 साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा आ गया मेरे पास, ध्यान से समझिए, एक्स प्लस अल्फा कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, ये मेरे पास कितना है, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13 और ये होल स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 13 पॉसिबल है, जबकि y माइनस 2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तभी ये पॉसिबल है, तो y फिक्स हो चुका है मेरे पास, y की नेसेसरीली जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 2 आएगा, बात समझ आ गई, y इक्वल्स टू 2 आएगा, और x इक्वल्स टू क्या आएगा, sin ऑफ x प्लस अल्फा की वैल्यू आएगी 1, और sin ऑफ x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, alpha is the angle such that sin alpha equals to 12 upon 5 upon 13 and cos alpha equals to 12 upon 13 equals to 1. यहाँ से alpha को मैं solve कर सकता हूँ, x plus alpha की value कितनी आ जाएगी, 2k pi plus alpha by 2, where k belongs to integer, general solution मैंने लिख दिया, okay? तो pair wise अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2k pi प्लस 5/2 माइनस अल्फा कॉमा 2, ये सॉल्यूशंस होंगे वेयर के बिलोंग्स टू आई, जनरल इसका पीरियड कितना है, पीरियड 2 पाई होता है, और अल्फा इज द फिक्स्ड एंगल, अल्फा इज द फिक्स्ड एंगल जो कि मेरे पास, अल्फा इज द फिक्स्ड एंगल सच दैट sin अल्फा इक्वल्स टू 5 / 13 एंड cos अल्फा इक्वल्स टू 12 / 13, तो इसे करने के लिए a sin x + b cos x को डील करना आना चाहिए, और थोड़ा सा ढंग से ये सोचना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करके, ये ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं, तो एक साइड की मिनिमम वैल्यू दूसरी साइड की मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही इक्वल होंगे, यही करेक्ट था मेरे पास, अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है समझ में आ गई, ओके। ठीक है,